सब्सक्राइब कीजिए ऑल इन वन ट्री पी के चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और हमारा चैनल ऑल इन वन ट्रिक पीके में। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन लेकर आए हैं। जैसे कि आप कुछ भी सोचते हैं और आपको थोड़ा सा ही देर में आपको वो बात भोर पर आ जाता है। तो दोस्तों, हम आज एक ऐसा एप्लीकेशन लेकर आए हैं जिससे कि आप कुछ भी भोर नहीं डाल सकते हैं। बहुत ही छोटा एप्लीकेशन है, आप इसे ज़रूर डाउनलोड कीजिए। तो दोस्तों, उससे पहले बता दें कि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप ये नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू कुमार और आप देख रहे हैं ऑल इन वन ट्रिक पीके। तो दोस्तों, चलिए हम उस एप्लीकेशन का नाम बताते हैं। उस एप्लीकेशन का नाम है रिमाइंडी। दोस्तों, इसे डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद इसमें टाइप करना है रिमाइंडी, आर ई एम आई एन डी डबल ई। सिंपली आप इसको टाइप कीजिएगा, उसके बाद सर्च कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक सबसे आप दो नंबर में देख सकते हैं। इसका लोगो भी आप देख लीजिए, इस पर एक घंटा का निशान दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और रोब जे कंपनी से ये बनाया गया है। सिंपली आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, आप देख सकते हैं इसे 5000 लोगों ने डाउनलोड किया है। इसका रेटिंग काफ़ी अच्छा है जो कि 4.7 का है। तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा, हम पहले से इंस्टॉल किए हैं इसलिए मेरा ओपन दिखा रहा है। सिंपली हम ओपन कर दिए। आपको जैसे कि कुछ भी आपको याद नहीं रहता है तो ये एप्लीकेशन आपको याद दिला सकता है। जैसे कि हम आपको कुछ भी बता सकते हैं, जैसे कि आप मैच देखते हैं या कौन सा मैच कब है या कुछ भी। आप मैं जैसे व्हाट्सएप पे कोई कुछ भेजा है आपको और आपको याद नहीं रहता है तो वो भी आप इसमें डायरेक्ट शेयर का ऑप्शन से आप जैसे कि मान लीजिए हम आप हमारे मोबाइल में तो मैच वैच का नहीं है, लेकिन जैसे कि हम अपना यूट्यूब खोल दिए, यूट्यूब में कोई वीडियो ही है जो कि हम चाहते हैं कि कल देखेंगे, तो सिंपली आप यहाँ से शेयर पर क्लिक कर दीजिएगा। कोई भी चीज़ हो उसको शेयर पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन वो आ जाएगा रिमाइंडर। जैसे कि आपको तो ऐसे मोबाइल में तो देता है रिमाइंडर, लेकिन आपको उतना ये करने में मतलब बहुत ये लगता है, इसलिए ये एप्लीकेशन डायरेक्ट शेयर करने। जैसे कुछ भी आपको याद नहीं आता है तो वो आपके पास कोई भेजा ही है कुछ तो उसको याद करना है तो सिंपली आप उसको शेयर पे क्लिक कीजिए, उसके बाद डायरेक्ट रिमाइंड मी पे क्लिक कर दीजिए और वो ऑटोमेटिक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से इसका टाइम सेट कर सकते हैं या उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि 11:55 हो रहा है तो हम अभी का टाइम लगा के देख रहे हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर टाइम पे क्लिक करना है, उसके बाद जैसे कि हम अभी आपको यहाँ से अभी का तो टाइम सेट टाइम दे रहा है यहाँ पर, जैसे कि 11:55 अभी हो रहा है तो हम 11:56 पर लगा रहे हैं। जैसे कि 11:57 पे हम लगा दिए और ओके कर दिए, उसके बाद सेट रिमाइंडर पे क्लिक कर दिए। तो देखिए ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिक उस समय में ऑन कर देगा। तो चलिए दोस्तों, वो एप्लीकेशन 11:57 पे रन करेगा तो हम तो अभी लगाए हैं 11:56। तो चलिए देखते हैं, तब तक हम वीडियो को प्यूज कर देते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ऊपर नोटिफिकेशन आ गया, हम इसे ओपन कर लेते हैं और सिंपली उस पर क्लिक करेंगे तो वही वीडियो जो हम सिलेक्ट किए थे वो वीडियो चालू कर देगा। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइए और आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक भी नहीं किया है तो प्लीज़ यहाँ पर देख सकते हैं लाइक का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये नीला कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी यहाँ रेड बटन है, उस पर भी क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।